Hello student, and welcome to the AMS cracker. This is a new course which we are introducing very soon, in which we are going to discuss about the higher level of the NEET. जो हमने last class में NEET के अंदर हमने जो discuss किया था थोड़ा उससे हम इसमें level upgrade कर रहे हैं, ठीक है? So definitely ये आपको benefit देगा. तो हम discuss कर रहे हैं यहाँ पे physics AMS cracker electrostatic. First chapter is the electrostatic. Okay. सबसे पहला question की बात करता हूँ मैं. पहला question है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है डाइपोल की वजह से एक्सिस पे और एट अ डिस्टेंस आर, और ई क्यू इज द फील्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, द रिलेशन बिटवीन ई एंड ई क्यू. मतलब हमें क्या दिया है एक्चुअली, अगर हम देखते हैं तो हमको डाइपोल के बारे में वो डिस्कस कर रहा है. तो डाइपोल के बारे में अगर डिस्कस कर रहा है तो डाइपोल में सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि डाइपोल जो होता है एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर डिस्टेंस होता है कुछ आर मान लें या डी डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच का. अब मुझे उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है और बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है. तो अगर मैं एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डायपोल के डायरेक्शन में होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऑन द एक्सिस. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दे रहा ई ए, अगर फॉर्मुला याद होता तो देखो सीधा बोल सकता है इट्स अ 2kp/r³. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp/r³, राइट? कहाँ पर? एक्सिस पर. अगर मैं बाइसेक्टर की बात करता हूँ तो बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है आपको मालूम है. डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डाइपोल होता है. डाइपोल होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हो गया. और यहाँ पर अगर तो देखेगा तो डायरेक्शन कैसे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का? अपोजिट टू दी डाइपोल. तो लेट वी आर सेइंग दैट ई क्यू इज ऑन द इक्विटोरियल पोजिशन, ई क्यू ऑन द बाइसेक्टर. तो ई क्यू का जो वैल्यू हुआ तेरा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ के पी अपॉन ऑफ आर क्यू, ठीक है ना? एज जैसे हम जानते हैं वैल्यूज को, फोर्स की वैल्यूज को. तो ई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू ई क्यू एंड दैट इज योर राइट रिजल्ट. अगर हम मैच करें ऑप्शंस को तो हमें क्या दिखता है? ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई क्यू. सो आई थिंक बी ऑप्शन इज राइट. यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बोलूँगा तो डायरेक्शन को मैं ऐसे और बेटर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो मैग्नीट्यूडली मैं लिख सकता हूँ ई ए इज डबल ऑफ क्यू. डन. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, ये भी डायपोल पे बेस्ड क्वेश्चन है जरा. अगर इस डायपोल पे बेस्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ तो मेरे को देख क्या पूछ रहा है वो, कि पूछ रहा है दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी अगर डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हमने बिहेवियर की बात की है. बिहेवियर कैसा होता है किसी भी डायपोल का इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बिहेवियर कैसा होता है? हमने अगर बात करना है फोर्स की तो फोर्स क्या उतना होता है? प्लस क्यू पे माइनस क्यू पर. अब देख प्लस क्यू माइनस क्यू पे फोर्स जो दिखाया जाएगा क्यू इंटू ई से दिखाया जाएगा, लेकिन ई तेरा नॉन यूनिफॉर्म है. अगर ई नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब दोनों पर लगने वाले फोर्स अलग अलग होंगे. ऐसे देख, मान ले ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और फील्ड लाइंस को ऐसे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजर है यहाँ दूर दूर है, ठीक है? और यहाँ पे तेरे लिख दिया एक माइनस का क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, ये तेरा डाइपोल हो गया. तो इस प्लस क्यू पे फोर्स कैसे लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट्स से इट्स क्यू ई वन. और माइनस पे कैसे लगेगा? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स से इट्स क्यू ई टू, ठीक है? तो अगर क्यू ई वन और क्यू ई टू की बात करेगा तो देख, अगर मैं फील्ड लाइंस को देखता हूँ तो यहाँ पे फील्ड लाइंस तेरी पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन ज़्यादा है किससे? ई टू से. सो क्यू ई वन ज़्यादा होगा किससे? क्यू ई टू से. तो नेट फोर्स जो डाइपोल को डिस्कस करेगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन द प्लस क्यू एंड फोर्स ऑन द माइनस क्यू. तो फोर्स ऑन प्लस क्यू इज मोर देन द फोर्स ऑन माइनस क्यू, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा. ये हमने बताया भी है, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है तो फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग होगा. तो दो फोर्स कभी भी बराबर नहीं होंगे. अगर दो फोर्स बराबर नहीं है उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो नेट फोर्स क्या होगा? हमेशा नेट फोर्स हमेशा जीरो. अब तो डायपोल को तू ऐसे भी रख सकता था, डायपोल को हम ऐसे भी रख सकते थे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू यहाँ पर. तो इस पर कैसा फोर्स लगता? क्यू ई वन या क्यू ई टू? इस पर कैसा लगता? क्यू ई वन. अच्छा ढंग से सोच, अगर दो फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो क्या वो कोई टर्निंग इफेक्ट देंगे? क्या कभी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? नहीं. और मैंने तेरे को टॉर्क का वैल्यू भी लिखाया है. टॉर्क जो होता है वो होता है पी क्रॉस. अगर मेरे जो फॉर्मूला मालूम है जो हम लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई. अगर टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई तो यहाँ से देख सकता है अगर पी और ई एक ही डायरेक्शन में होंगे
तो टॉर्क क्या होगा? जीरो. तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फोर्स हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो. नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो, बट द टॉर्क मे बी जीरो और मे बी नॉट, बिकॉज जो लाइन ज्वाइनिंग है वो कहाँ से पास करेगी? एक दूसरे से. या मैं बोल सकता हूँ, व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, देन द टॉर्क विल बी जीरो. या टॉर्क का फॉर्मूला देख लें, पी क्रॉस ई. अगर पी और ई दोनों एक सेम डायरेक्शन में होंगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? जीरो. तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फोर्स हमेशा नॉन जीरो होगा. तो देख, ऑप्शन देख, बोथ द टॉर्क एंड नेट फोर्स जरूरी है. फोर्स तो आएगा लेकिन टॉर्क आ भी सकता है नहीं भी. ओनली अ फोर्स बट नॉट टॉर्क, ओनली अ टॉर्क बट नॉट नेट फोर्स, नो टॉर्क एंड नो नेट फोर्स. देख, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे ये नहीं बताया गया कि ओरिएंटेशन क्या है किसका, डाइपोल का. तो अगर ऑप्शन वाइज में जाता हूं तो बोल रहा है बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स. हो सकता है राइट ऑप्शन हो, ओनली अ फोर्स बट नॉट टॉर्क. ये बट ये भी राइट हो सकता है, ओनली अ फोर्स बट नॉट टॉर्क, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन ई और पी का एक ही डायरेक्शन में है तो फिर वो टॉर्क जीरो होगा. ओनली अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स, ये तो गलत हो गया बिल्कुल. नो टॉर्क एंड नो नॉट. अब देख, इन दोनों में से ये तो दोनों गलत हो गए. इन दोनों में से कुछ एक राइट हो सकता है, एक गलत हो सकता है. बोथ द टॉर्क एंड द नेट फोर्स. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा है. एक्चुअल में इसको ऐसे पूछना चाहिए था, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मे एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर तेरा बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, ओनली अ फोर्स बट नॉट टॉर्क. अब देख यहाँ पर इस कन्फ्यूजन क्वेश्चन को किस तरह से बात करेंगे. ये मेरा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू. अगर मैंने ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाल दिया ऐसे, तो टॉर्क क्या होगा? जीरो. अगर मैंने ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं डाला, ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, ठीक है, तो तेरा यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होगा, यहाँ पे टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट ले ले, 2003 में आया क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर जो गया है वो दिया गया है बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स. तो कभी इस तरह का क्वेश्चन है तो एक भी केवल उसी आंसर के साथ जाना जो प्रीवियसली करेक्ट दिया गया है. तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज अ बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स एक्सपीरियंसेस. ओके, बट अगर हम देखें तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या दिया है? ए. तो हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का एम्स का क्वेश्चन है. क्या कहता है क्वेश्चन देख, इसमें बोला है इन द बेसिक सी एस सी एल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सी एस प्लस एंड सी एल आर आयंस अरेंज्ड इन अ बी सी सी ए कॉन्फिगरेशन शॉन. देख यहाँ पे सारे के सारे सी एस प्लस हैं और यहाँ पे सारे के सारे सी एस सी एस. ओके, ये एक तो सी एस प्लस है तेरे और एक सी एल माइनस बीच में लगा रखा है. हमसे पूछा है कि वॉट इज द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द सी एस प्लस आयंस ऑन द सी एल माइनस आयंस. तो अगर सी एस प्लस आयंस नेट फोर्स ड्यू टू द एट सी एस ऑन द सी एल माइनस, तो अगर तू कॉन्फिगरेशन को देखेगा तो तेरा जो सी एल और सिमेट्रिक है. अगर सी एल सिमेट्रिक है, यहाँ पर एक मैंने मान लिया क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा है, बाकी सारे कॉर्नर्स पर एक पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर ढंग से सोचेगा तो सारे चार्ज जो कॉर्नर्स वाले होंगे वो सिमेट्रिक होंगे किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर चार्ज यानी सी एल के रेस्पेक्ट में. तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ऐसे ही ये वाला अपोजिट कॉर्नर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा. सुन, इसका अपोजिट कॉर्नर कौन सा है? ये वाला. तो ये इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो. तो सीधा बोल सकते हैं यहाँ पर द नेट फोर्स ऑन द सी एल माइनस इज इक्वल टू वॉट? जीरो. तो द राइट आंसर इज योर डी आंसर. ओके, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ चार्ज सी एल चार्ज माइनस इज जीरो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. अब एक आराम से तू नीट का अगर हम बात करें तो उस पे बेसिस पे मैंने आपको आर्टिकल डिस्कस कराया था. क्या डिस्कस किया था आर्टिकल को? कोई मेरे पास अगर स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, नॉन कंडक्टिंग है. अब नॉन कंडक्टिंग अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बढ़ता था, आई मीन से लीनियरली रेडियली बढ़ता था. अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो था रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. और अगर बाहर की बात कर रहा हूँ तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था तेरा के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाहर,
और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं सेंटर टू सरफेस जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगा, बढ़ के सेंटर सरफेस पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा और डिक्रीज होकर इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर मैं ग्राफ की सिचुएशन समझता हूँ तो ग्राफ किस तरह समझाया जाएगा मेरे को, ग्राफ इस तरह समझाया जाएगा कि सर स्ट्रेट ग्राफ आएगा स्टार्टिंग के अंदर और फिर उसके बाद वो हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा बिकॉज हियर दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड हियर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। सो अगर राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बी क्लियरली मुझे दिखता है, द बी इज द राइट ऑप्शन राइट। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2005 के लिए पूछा गया है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में भी करवाया है। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास आज चार चार्ज हैं क्यू 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 और एक्स वाई प्लेन में रखे गए हैं, जेड एक्सिस पर इसके पास प्लेन है, मतलब ये तेरी परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इफ द नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्लेस एट डिस्टेंस जेड अवे फ्रॉम द अबव फ्रेम, जेड इज लेस देन 2L, आपसे पूछ क्या रहा है देख लेते हैं अपन। द प्लेन ऑफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, इज द नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ जेड अवे फ्रॉम द अबव फ्रेम देन, तो राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है मेरे को। नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट्स अलोंग द जेड एक्सिस, इट मूव्स फ्रॉम द फ्रेम, इट मूव्स स्लोली टुवर्ड्स द फ्रेम एंड स्टेज इन द प्लेन ऑफ द फ्रेम, इट पासिस थ्रू द फ्रेम ओनली वंस। अब मेरी बात समझ आराम से, ये तेरा एक प्लस क्यू चार्ज, आई मीन सिक्स स्क्वायर हो गया, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से जेड डिस्टेंस पर ठीक है तेने एक चार्ज को रखा है, ये तेरा माइनस क्यू चार्ज। अगर तुम ढंग से देखोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे ही ये वाला डायगनली अपोजिट, भाई तू इसको इस तरह से देख ले यहाँ पर ही, तो ये प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू दोनों इसको क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा वर्टिकली डाउन। ऐसे ही इन प्लस क्यू का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी कैसा आएगा वर्टिकली डाउन। तो अगर मैं इस तरह से सोचता हूँ तो मुझे बहुत क्लियरली कट इस चीज़ को विजुलाइज कर सकता हूँ कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा कैसे आएगा नीचे की ओर। अब मान लो तेरा चार्ज नीचे चला गया इस पॉइंट पर, प्लेन के नीचे आ गया, अगर प्लेन के नीचे आ गया तो सेम चीज़ वापस होगी कैसे, अगर वो प्लेन के नीचे आ गया यहाँ पर, तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको फिर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको फिर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, दोनों चार्ज सिमेट्रिक हैं क्योंकि तेरा पॉइंट चार्ज ऊपर है अब नीचे, तो नेट फोर्स कैसे लगेगा ऊपर की ओर, ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स फिर कैसे आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं देखता हूँ ये मेरा एक प्लेन है इस तरह से, एक्सजेड प्लेन मान ले या तो इसको एक्स वाई प्लेन मान ले, ये जरा जेड एक्सिस ऐसे, या तुम ऐसे मान सकते हो ये इस तरह से प्लेन है जरा एक्सजेड प्लेन के अंदर, ये प्लस का वाई हो गया और ये माइनस का वाई हो गया, तो फोर्स कैसे लगेगा नीचे की ओर, फिर फोर्स कैसे लगेगा ऊपर की ओर, इसका मतलब एक बार फोर्स नीचे की ओर लगेगा यहाँ पर आएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को यहाँ रखता हूँ थोड़ी देर के लिए सेंटर पे माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, अब इसको खींच के ऊपर ले जा तो सारे फोर्स कैसे लगेंगे, यानी कि नेट फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और ऐसे जब इसको तू अंदर पुश कर देगा तो सारे फोर्स कैसे लगेंगे ऊपर की ओर डायगनली, तो नेट कैसे आ जाएगा वर्टिकली अप, तो जो फोर्स होगा हमेशा एक वर्टिकली डाउन होगा और एक नीचे वाला वर्टिकली अप होगा, और सेंटर में फोर्स कितना होगा जीरो, तो क्या करेगा ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अगर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन क्या सिलेक्ट करूँगा मैं, नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट्स अलोंग द जेड एक्सिस, सही बात है, जब ऊपर गया तो फोर्स नीचे लगेगा और जब नीचे गया तो फोर्स क्या लगेगा, तो मैंने यहाँ से छोड़ा उसको तो क्या करेगा वो नीचे की ओर आएगा, सेंटर पर आगे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके पास बिकॉज मोमेंटम आ चुका है तो वो नीचे चला जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे जाके कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं बात करता हूँ सिचुएशन की, तो फर्स्ट इट विल कम्स डाउन, देन इट विल मूव डाउन रिटार्ड एंड विल स्टॉप, देन अगेन इट विल कम अप एंड नेट फोर्स जीरो गोज अप, अगेन द वेलोसिटी इज जीरो, सो इट विल ऑसिलेट। So right option is negative charge oscillate along the z-axis.